मोदी वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी चाहे आ जाती उनको है, उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर, नहीं सर। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं, अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी। जी मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि गोरखपुर के दोगले के गांव से बोल रहे हैं? जी मैं विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा शिल्प ग्राम औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा। जहाँ की टेराकोटा विश्व पटल पर है। अच्छा लक्ष्मी जी आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा पूरा परिवार पूरा खानदान टेराकोटा शिल्प से जुड़ा है। मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर के पूरे परिवार मिलाकर के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनका वार्षिक आमदनी लमसम 1 करोड़ के आसपास है। ये समूह का कि एक एक व्यक्ति का? नहीं पूरे पूरे 75 लोगों का। हमारे समूह में 12 सदस्य हैं और 12 सदस्यों के परिवार में किसी के 6 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 4 ही हैं, कुल मिला के 75 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इसका मतलब 12 लोग जो मैं मुखिया है, 12 लोग 1.25 करोड़ रुपया कमाते हैं। जी जी जी। अच्छा लक्ष्मी जी मुझे बताया गया है कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम का लाभ बहुत लिया है और आप एक बहुत जागृत व्यक्ति है, समाज को जोड़ करके काम करते हैं, तो आप इन्हें जरा अनुभव बताइए। जी सर, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो उनका एक अलग पहचान ODOP योजना है, उसके तहत हमारे सारे शिल्पियों को टूल किट, पावर की चाक, मिट्टी बनाने वाली मशीन, ये मुफ्त में सबको मिला है। जितने भी हमारे हस्तशिल्पी इसमें कार्यरत हैं सबको दिया गया है और साथ ही साथ ODOP योजना के अंतर्गत अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शनी लगती है, आपके दिल्ली प्रगति मैदान में, नोएडा में, लखनऊ में, वहाँ बारी बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है। अच्छा लक्ष्मी जी ये योजनाएं तो हमारे देश में कोई नई विषय नहीं है, हर सरकार कुछ न कुछ योजनाएं बनाती रहती है। पहले की सरकारों की योजनाएं और आज जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या फर्क नजर आता है? देखिए सर, पहले तो हम खुद किसान हैं, मैं किसान हूं और लाभ भी लिया हूं ग्राम पंचायत से स्वच्छ शौचालय का, आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा हूं, ODOP का लाभ ले रहा हूं। तो पहले की जो सरकार थी मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था, आज जो योजनाएं हैं पेपर में पढ़ करके अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है, कौन पुरानी लागू हो रही है, क्या हमें करना, हमारे लायक क्या है, उस हिसाब से हम उसको चयन करते हैं। लक्ष्मी जी आपके इलाके में गारंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ? मुझे आपका और आपके इलाके का कुछ बता सकते हैं, कार्यक्रम कैसा होता है? क्या कुछ मोदी वो रवि किशन के सामने देख करके मत बोलिए। नहीं सर, आपकी जो गाड़ी चाहे आ जाती है, उनको उनको बुरा लगे तो बुरा लगे, सच बता दीजिए। नहीं सर, मुझे सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। जी जी, आपके आपकी गाड़ी तो किसी छोटे से गांव में अगर पहुंच जाए तो लोगों की तांता लग जाती है, आपकी आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए और तो और हो गई, योजना की तो अलग बात है, आपकी जो जुबान से निकलती है वो भाषा अमृत बाणी,
उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। सच। अच्छा लक्ष्मी जी, आपका टेराकोटा का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आप लीड कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कहां कहां आपकी चीजें बिकती है ज्यादा? जी सर, मैं बता रहा हूं, हमारे देश के सारे महानगरों में, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारे शहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक माल जाता है। ऐसा नहीं कि एक दो माल नहीं, जो खरीदार बाहर से आते हैं वो हमारे वर्क सेट पर, हमारे समूह के वर्क सेट पर ही फुल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुगतान करके अपने गंतव्य को चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नई नई डिजाइन बनाने के लिए कोई काम होता है क्या? नए नए टूल, नई डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या? सर, अभी तक तो हम मशीनरी का काम नहीं करते हैं, हमारा टोटल हैंडवर्क है, हम हस्तशिल्प का ही काम करते हैं। हमारे हाथ में जो हुनर है वो समझिए सर, आपके सामने बड़ा ही नहीं है, कंप्यूटर है। मैं अभी एक ये म्यूजिक मैन आपको अरे दिखा रहा। आप आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ जो इतनी बढ़िया चीज है, ये इंसान तो कंप्यूटर से करोड़ों गुना बड़ी ताकत होती है जी। जी हाँ। जी सर, अब तो ये जो आप जिस समाज से हैं, जी पीएम विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गांव में? जी जी सर, जी जी विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है। क्या क्या योजना का पता चला आपको, बताएंगे? विश्वकर्मा योजना में ये बढ़ईगिरी है और लोहारगिरी है, राजगीर है, ये सारे लोगों को उसमें फायदा मिलता है, टूल किट औजार वगैरह सब दिए जाते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आधुनिक टूल और आधुनिक ट्रेनिंग जी, क्योंकि नई डिजाइन बने, नई वैरायटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्वीकार करे जी, इसके लिए हम बल दे रहे हैं। और आप जैसे लोग जितने सामर्थ्यवान होंगे, सशक्त होंगे, उतना लाभ ज्यादा होने वाला है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना सदियों से जो लोग इस काम में माहिर है, जिनके दिल दिमाग में आंख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं, अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीजें मिल जाए तो हम दुनिया में छा सकते हैं, इसलिए पीएम विश्वकर्मा है। तो आप अपने समाज के लोगों को जरूर बताइए जी। मैं सर संक्षिप्त में अपना परिचय भी देना चाहता हूं आपके सामने। हाँ बताइए। मेरे दो बेटियां, दो बेटे हैं और चार भाइयों में मैं सबसे छोटा हूं। जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है। 80 में मैंने ग्रामीण बैंक की नौकरी ज्वाइन किया और 86 में मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट की वजह से क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एशिया रीजनल वर्कशॉप ढाका में मेरा चयन हुआ जाने का, और मैं वहां जाकर के अपने इस कला का सजीव प्रदर्शन किया और वहां की मैम प्रधानमंत्री और उच्चायुक्तों द्वारा मुझे ससम्मानित किया गया। 88 में मैं बैंक से रिजाइन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजीकरण कराया जो 1860 एक्ट चीट फंड सोसाइटी के अंतर्गत लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र की स्थापना है, और उसके थ्रू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर से 4 बार महीने महीने भर की ट्रेनिंग टेराकोटा में बच्चों को दिया, जिसमें 40 बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद 1993 में मैं गणेश भगवान की रथ पर, अपने द्वारा बनाई गई गणेश भगवान की रथ की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त किया। फिर मैं 93, 94, 95 में मैंने ऐसा गैप हो गया, 2000 में मैं इस समूह का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने वर्णन किया हूं। उस समूह में 12 सदस्यों को ज्वाइन किया और उस समूह बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाख की मिली, जो हम 6 महीने में
पूर्ति कर दिए और उसके बाद 12 लाख रुपए मिली जिसमें 50% सब्सिडी और उसको 3 साल में हमने अदा कर दिया। उसके बाद 2004, 8, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा मुझे 4 योजनाओं में कौशल विकास, मास्टर क्राफ्ट में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 4 स्टेज में मुझे प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति मिली और वो मैं बारी बारी से चलाया जिसमें 60 बच्चों को प्रशिक्षित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में तुला बड़े बच्चे को संजय कुमार को तुलास इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में प्ले मॉडलिंग में टीचर पद पर करवाया और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून श्री राम सेंटिनियल स्कूल प्ले मॉडलिंग टीचर पद पर मैंने करवाया। और उसके बाद 2013 में मुझे फिर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दोबारा मुझे प्रादेशिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपका नाम लक्ष्मी जी रखा। लक्ष्मी जी रखा जी, आपको लक्ष्मी प्राप्त करने के सारे रास्ते मालूम है। मेरी माँ तो इस चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार वोकल फॉर लोकल पर काफी जोर दे रही है। आपको तो पता ही है कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पूरे देश में यूपी की प्रेरणा से चल रही है। ये भी संतोष की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल फॉर लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। जन भागीदारी के बिना योजनाओं का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा को ही ले लीजिए, इसमें भी नागरिकों की जागरूकता की जरूरत है। आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि हर योजना का लाभ हर उस लाभार्थी को मिले जो इसका हकदार है। अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। और लक्ष्मी जी को नमस्कार, उनकी पूरी टीम को नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।